नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के जैसे कि हम डेली आपको 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 7 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8 जिसमें हम कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। ये प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट एटसेट्रा, जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस जो है यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, LCD जो है उसका पूरा नाम जो है वो क्या है। चार ऑप्शन थे, आपको छांटना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर सीधे उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपकी LCD जो है उसका पूरा नाम जो है वो होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए जो कार्य हैं उनको प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है, मॉनिटर करता है, प्रिंटर करता है, रैम करता है या रोम करता है। सिंपल सी भाषा में प्रश्न को समझिए कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि आपकी मोबाइल होता है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है, तो उसमें यदि आप मोबाइल में कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी डाल रखे हैं तो वो जो प्रदर्शित कर रहा है वो क्या करती है, मोबाइल की स्क्रीन से आप देखते हैं। सेम वही चीज़ कंप्यूटर को लेकर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मॉनिटर जो है वो सही हो जाएगा। मॉनिटर के थ्रू सारी चीज़ें आप देखते हैं, जो भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या कह सकते हैं जो मेमोरी में जो है वो डाला गया है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या ये सभी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। एक्सप्लेनेशन में इससे पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, जिसमें यहाँ पर सही ऑप्शन है आपने ध्यान से सुना होगा तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जॉयस्टिक आपका गेम खेलने के लिए जो है वो यूज़ में लाया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं इस प्रकार से लंबी डंडी टाइप की जो है वो लगी रहती है और उसको आप इधर उधर मूवमेंट करके जो है उसमें जो भी गेम खेल रहे हैं उसमें यूज में जो है वो ला सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कंप्यूटर का। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि फंक्शन कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा तो इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न कल आया था, वहां पर मैंने F1, F2, F12 तक जो आपकी कीज होती हैं उनको बताया था। तो उससे आप यहाँ पर एक ऑप्शन काट सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन की। क्यों, क्योंकि ये आपकी कौन सी होती हैं, F1, F2 इस टाइप से F12 तक जो है वो होती हैं। संख्या भी पूछ ली जाती है इनकी, कभी कभी कितनी होती है तो 12 जो है वो होती हैं, कीबोर्ड में आप देख सकते हैं। तो तीन ऑप्शन बचे आपके, अब इनमें से आपको छांटना है। चलिए आप बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर जो है वो सही हो जाएगा। मॉडिफायर ये सारी होती हैं, जैसे कि कंट्रोल है, शिफ्ट है, एल्ट है, ये सभी कुंजियाँ। और जितने भी यहाँ पर आपके ये सभी प्रकार जैसे कि लिखे हुए हैं, ये सभी आपके जो कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं उसमें अलग अलग कीज़ होती हैं उसके प्रकार लिखे हुए हैं। तो एक बार सभी कीज़ को जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो एक आपकी होती है अल्फा न्यूमेरिक की, जो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑप्शन में। दूसरी होती है आपकी कंट्रोल की, तीसरी होती है आपकी फंक्शन की, चौथी होती है आपकी नेविगेशन की, पाँचवीं होती है आपकी न्यूमेरिक कीपैड या न्यूमेरिक की भी आप उसे कह सकते हैं। तो ये सभी आपकी अलग अलग कीबोर्ड में जो कीज होते हैं उसके टाइप के आधार पर जो है वो हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है, अधिकांश प्रोडक्ट्स और पर जो प्रिंटेड लाइनें हैं उनके पैटर्न को क्या कहते हैं। बार कोड्स कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं, प्राइजेस कहते हैं या कोड कहते हैं। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको उस पर अवश्य देखने को मिलती हैं कुछ प्रिंटेड लाइनें। यही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। और आप देखिए तो जो मॉल वगैरह में आपकी बिलिंग होती है वो उन्हीं प्रिंटेड लाइनों को स्कैन करके जो है वो बिल जो है वो आपका बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बार कोड जो है उसे कहते हैं। आप देखते हैं ऐसे ऐसे ब्लैक 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 कलर की लाइनें खींची रहती हैं, उसको स्कैन करके ही आपका जो बिल है वो दिया जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पर, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न होते हैं उन्हें बार कोड्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा,
OCR का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, मैंने इससे पहले भी आपको बताई है फुल फॉर्म, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये OCR की फुल फॉर्म होती है। इसके बारे में भी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। प्रश्न में ध्यान दीजिए, कह रहा है नहीं है। प्रश्न में देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस जो है वो नहीं है, तो बस आपको यही जो है वो छांटना है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपको याद होगा तो एक प्रश्न था जिसमें मैंने सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिख दिए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी आपका आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी होता है, मॉनिटर भी होता है और प्लॉटर भी होता है। तो प्लॉटर आपने नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने इसको भी लिख कर जो है आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो है वो है। व्यक्तिगत कंप्यूटर को आप पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने काफी बार जगह इंग्लिश में ही सुना होगा। पहला कह रहा है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा कह रहा है पेन ड्राइव, तीसरा कह रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव और चौथा कह रहा है ये सभी। आपको बताना है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। अच्छा, आपने प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब सबसे लग गया है, केवल साधारण स्टोरेज डिवाइस लिखा होता तो आप ये सभी को एक बार सोच सकते थे, परंतु सबसे यदि लग गया है तो ये दर्शा रहा है कि ये सभी जितने भी आपका ऑप्शन है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी स्टोरेज डिवाइस है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा साधारण है ये आपको छांटना है। तो आपका ये सभी ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा, देखिए एक वर्ड से आप यहाँ पर छांट सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका फ्लॉपी डिस्क जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। मॉनिटर के डिस्प्ले को कह सकते हैं, या टीवी आप जो खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है 32 इंच की टीवी है, 43 इंच की टीवी है, तो वो भी इसी जो चार ऑप्शन है उसी के आधार पर उसको भी जो है वो मापा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी डायगोनली जो है वो सही हो जाएगा। जिनको डायगोनली नहीं पता है मैं बता देता हूँ, तो इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं। बहुत लोग विकर्ण से समझ गए होंगे, परंतु इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर का इस प्रकार से साइज है, ये आपका मॉनिटर का साइज है, तो ये जो आप कोना देख पा रहे हैं इस कोने से इस कोने की ये जो तिरछी लाइन आप जोड़ते हैं इसी को विकर्ण कहते हैं, और यही आपकी डायगोनली माप होती है। सेम इसी प्रकार इधर से इधर भी आपके ये विकर्ण जो है वो बराबर हो जाएंगे, तो ये जो माप होती है ये देखी जाती है कि कितनी जो है वो है। जैसे कि आप टीवी खरीद के लाते हैं तो टीवी में इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मापी जाती, इसकी डायगोनली माप लिखी होती है कि टीवी जो है वो 32 इंच की है या 43 इंच की है, अलग अलग जो साइज होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नवा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या स्कैनर है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो प्रिंटेड डायग्राम है वो यदि आपको पाना है तो उसके लिए आप कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका स्कैनर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी गलती ये कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि कंप्यूटर में कोई चीज़ है, कोई डायग्राम है और उसे आपको पाना है, तो आप क्या करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रश्न आपका ये नहीं कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है कि आपको कंप्यूटर में कोई चीज़ प्रिंटेड डायग्राम जो है वो पाना है। कहाँ पाना है, कंप्यूटर में पाना है, आपको बाहर नहीं पाना है। और दूसरी चीज़ प्रश्न में क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस,
आउटपुट की बात नहीं हो रही है, प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट देता है, परंतु प्रश्न में इनपुट कह रहा है, इसीलिए आपका स्कैनर जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न में दो चीजें ध्यान देने वाली हैं, पहला प्रश्न में कंप्यूटर में वो आपको प्रिंटेड डायग्राम प्राप्त करना है ना कि बाहर प्राप्त करना है, दूसरा प्रश्न में ध्यान देने वाला है कि इनपुट डिवाइस कह रहा है ना कि आउटपुट डिवाइस कह रहा है, बस आप प्रश्न समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, दसवां, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ये प्रश्न इससे पहले भी आया था, मैंने आपको बताया भी था, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबर्ट जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पहला कंप्यूटर माउस जो है वो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि जब पीसी पर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, सीपीयू, रैम, रोम या सीडी रोम। फुल फॉर्म आपको पता होगी तो भी आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी रैम जो है वो सही हो जाएगा। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहीं पर आपका जो कोई भी पीसी पर आपको डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर वहां पर होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका पीसी है, कंप्यूटर है, उसमें लाइट अचानक से चली जाती है और आप दोबारा से खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट जिस पर भी आप काम कर रहे होते हैं वो वहां से सेव हो जाता है। आप नहीं भी सेव करते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन अचानक से बंद हो जाए, आपके कंप्यूटर के किसी ऐसे कारण या रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, हैंग कर गया, उस कारण बंद हो, आप बंद करें तो नहीं, अचानक से बंद हो जाए तो वो अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है, तो रैम में जो है वो स्टोर हो जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, बाहरी, भीतरी, सहायक या ये सभी। इसमें आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि बाहरी मतलब एक्सटर्नल, भीतरी मतलब इंटरनल, सहायक मतलब हेल्पर के तौर पर, या ये सभी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका इंटरनल यानी कि भीतरी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए तो भीतरी ऑप्शन पढ़ने में अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश छात्र में इसकी बता दी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या ए और बी दोनों। चार ऑप्शन है, आपको बताना है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फ्लॉपी डिस्क आपकी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, भंडारण क्षमता होती है, जैसे कि पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, वैसे फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, इसका जो स्टार्ट या कह सकते हैं जो क्रिएट किया गया था वो 1969 में जो है इसे क्रिएट किया गया था। फ्लॉपी डिस्क जो है इसकी एक खराबी ये थी कि बहुत कम मात्रा में आप इसमें डाटा जो है उसको स्टोर कर सकते थे। पहले कंप्यूटर में इसका बहुत यूज होता था फ्लॉपी डिस्क का, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया और सीडी आपकी आ गई यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई, इनके आने के बाद जो फ्लॉपी डिस्क है इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि जो सीडी है इसमें स्टोरेज क्षमता जो है वो ज्यादा होती थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14, रैम किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मुख्य या मेन मेमोरी आप कह सकते हैं, रैम जो है आपकी मेन मेमोरी जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15, निम्न में से कौन रैम नहीं है, पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम। इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो रैम नहीं है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पी रैम सही हो जाएगा, जो कि आपका रैम जो है वो नहीं है। फ्लैश भी आपका स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ही आता है, रैम के ही भाग हैं, परंतु मेन यदि मुख्य बात करें तो रैम के दो टाइप होते हैं, एक आपका डी रैम होता है और एक आपका एस रैम होता है। डी रैम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम। क्या होती है? डायनेमिक रैम। और एस रैम की बात करें तो ये आपकी होती है स्टैटिक रैम। तो ये दो टाइप आपके हो जाएंगे। डी रैम जो है इसका यूज
मुख्यतः आप कह सकते हैं कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसके तौर पर जो है वो किया जाता है, और स्टैटिक रैम उसके अलावा जो बचा वो आप कह सकते हैं। तो बस आप केवल नाम ध्यान रखिएगा, डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 16, सेल फोनों में से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैसे, रोम, फ्लैश, बफर? आपको बताना है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का यूज जो है वो किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कैच जो है वो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 17, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? वर्चुअल स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी स्टोरेज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी स्टोरेज में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस जो है इनमें से है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, यहां पर दो बार जो है वो मैग्नेटिक दे रखा है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, और चौथा वाला कह रहा है पर्सिस्टेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका मैग्नेटिक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों कह सकते हैं, दोनों में एक ही चीज लिखी हुई है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या ये सभी? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा आपसे पूछा गया है और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा सीडी जो है इसकी कैपेसिटी भी कभी कभार पूछ ली जाती है, जैसे कि डीवीडी की पूछी जाती है, तो जो सीडी है इसकी स्टोरेज क्षमता या भंडारण क्षमता 700 MB जो है वो होती है, और यदि ऑडियो से कंपेयर किया जाए तो लगभग 80 मिनट जो है इसका ऑडियो जो है इसमें आ सकता है। ये नॉर्मल जो है इसके डाटा के अनुसार जो है वो बताया गया, बाकी क्वालिटी पर डिपेंड होता है, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी आपकी 128 KBPS अलग होती है, 320 KBPS अलग होती है, 64 KBPS अलग होती है, तो अलग अलग क्वालिटी होती है। इसके अलावा बात करें रिलीज सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था सीडी को, तो सबसे पहले रिलीज किया गया था 1 अक्टूबर 1982 को। कहाँ किया गया था? तो जापान में जो है सबसे पहले इसे रिलीज जो है वो किया गया था। उसके बाद और भी जगह अलग अलग किया गया, जैसे कि 1983 में जस्ट इसके एक साल बाद जो है वो यूरोप में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि रिलीज किया गया था, तो ये अलग अलग समय है। तो इसी के साथ हमारे पार्ट सभी समाप्त होते हैं। चलिए अब अपना देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? अच्छा प्रश्न है। रैम ऑप्शन ए, फ्लॉपी ऑप्शन बी, सीडी ऑप्शन सी, डिस्क ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, इसका आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।